पत्रकार के सवाल पर भड़की केंद्रीय मंत्री। मंत्री ने कहा तुम्हारे मालिकान को फोन करूंगी। रातों रात चली गई पत्रकार की नौकरी। दोस्तों आज के इस दौर में एक पत्रकार अगर मंत्री नेता से सवाल पूछता है और अगर वो सवाल मंत्री जी को पसंद नहीं आते हैं तो फिर तो पत्रकार को अपनी नौकरी से हाथ धोना ही पड़ेगा। कल से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार उनसे कुछ सवाल पूछता है तो स्मृति ईरानी कहती हैं मैं तुम्हारे मालिकान को फोन करूंगी, तुम्हें कोई हक नहीं है जनता के अपमान का। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहां एक ओर सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं इस दौरान जिन पत्रकारों को स्मृति ईरानी धमका रही थी वो रातों रात बेरोजगार हो गए। न्यूज लॉन्ड्री की खबर के मुताबिक पत्रकार विपिन कहते हैं कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने कहा कि दीदी आप पत्रकारों को कभी मना नहीं करती हैं, उनका जवाब बहुत अच्छे से देती हैं, आप तो मुखर वक्ता और नेता हैं। वो आगे कहते हैं इसके बाद दैनिक भास्कर ने रात में ट्वीट कर दिया हम उनके स्ट्रिंगर नहीं हैं, जबकि ये गलत है। भास्कर ने यहाँ के चारों ब्लॉक में स्ट्रिंगर नियुक्त किए हुए हैं, मुझे भी यहाँ पर कैमरामैन के रूप में रखा गया है। मैं और राशिद हुसैन यहाँ पर दैनिक भास्कर के स्ट्रिंगर हैं। हम दोनों ने 23 मार्च को लखनऊ जाकर ज्वाइनिंग की थी लेकिन स्मृति ईरानी की धमकी के बाद हम दोनों को यहाँ से हटा दिया गया और हमारी माइक आईडी भी वापस ले ली गई। जब सैलरी के बारे में रिपोर्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है, मतलब वो बिना पैसों के वहाँ काम करते थे। इस मामले को लेकर दोस्तों कांग्रेस ने भी ट्वीट किया और लिखा है स्मृति ईरानी जी कल जिस पत्रकार को धमका रही थी आज उसकी नौकरी चली गई। पत्रकार ने स्मृति जी से सवाल करने का गुनाह किया था, नौकरी खत्म, इतनी नफरत। दोस्तों वाकई में ये बेहद शर्म की बात है, एक पत्रकार अगर मंत्री से दीदी दीदी करते हुए कुछ सवाल कर रहा है वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे एक अच्छी स्टोरी मिल जाए, उसकी खबर अखबार में छप जाए तो उसे अब आप नौकरी से निकाल देंगे। दोस्तों देश की मीडिया का आज क्या हाल है वो आप सभी के सामने है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।